नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अगर आप भी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। आप एटीएम कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी एटीएम भूल जाते होंगे। कई लोग एटीएम कार्ड खो जाने पर बैंक जाकर ब्लॉक कराने की सलाह देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप बिना बैंक गए भी अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं और इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की ऐसे लीजिए मदद। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है तो इसकी मदद से आप अपना कार्ड तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप इंटरनेट बैंकिंग में जाकर लॉगिन करें, इसके बाद डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाएं। आप यहां अपने डेबिट कार्ड का नंबर सेलेक्ट करें, इसके बाद ब्लॉक योर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना कार्ड ब्लॉक कर दें। अब कोई भी आपके कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएगा। मोबाइल बैंकिंग ऐप से बंद करें एटीएम। मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से भी आप अपने कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में संबंधित एटीएम कार्ड के बैंक की ऐप को खोलना होगा। अब कार्ड ऑप्शन में जाना होगा और ब्लॉक योर डेबिट कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा, इसके बाद कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन। आपके पास ये सब सुविधा नहीं है तो आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके भी अपना एटीएम ब्लॉक करा सकते हैं। इस दौरान आपको अपना एटीएम और बैंक अकाउंट नंबर बताना होगा। इस दौरान आपको कुछ जानकारी शेयर करनी होगी, जैसे आपने लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया था, कितने रुपए का किया था इत्यादि। इन सब के वेरीफाई होने के बाद आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। थाने में जाकर FIR जरूर करें। अगर आपको लगता है कि एटीएम कार्ड चोरी हुआ है तो इसकी FIR भी करानी चाहिए। इसके लिए आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में कार्ड चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। FIR दर्ज हो जाने के बाद इसकी एक कॉपी आपको दी जाएगी। इस कॉपी को भविष्य में इस्तेमाल के लिए संभाल कर रखें। इन सब बातों का भी रखें ख्याल। एटीएम से पैसे निकालने या अन्य उपयोग के बाद कैंसिल बटन को जरूर दबाएं। बैंक में अपना मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस जरूर दर्ज कराएं ताकि नकदी निकालने का अलर्ट SMS और मेल से तुरंत मिले। लेन देन के लिए अपना एटीएम किसी और को कतई न दें। साथ ही हर 2 से 3 महीने पर एटीएम का पिन नंबर बदल दें। ऐसे मंगा सकते हैं नया एटीएम। कार्ड ब्लॉक कराने के बाद इन दो तरीकों से आप नए कार्ड को मंगा सकते हैं। बैंक में जाकर आप खुद भी हाथों हाथ नया कार्ड ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक ID प्रूफ और एक उसी बैंक का कैंसल चेक देना होगा और तुरंत नया कार्ड बैंक आपको इशू कर देगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल बैंक से सुविधाएं हैं तो सचेत रहने की भी जरूरत है, इसलिए हमेशा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।